गुजरात में करीब 15% आदिवासी वोटर हैं और 27 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। क्या इस बार आदिवासी वोटर तय करेंगे कि गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? छोटा उदयपुर से रविकांत और मोडसा से जावेद मंसूरी की ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात की 15% आबादी यानी 90 लाख आदिवासी किसे वोट देंगे, ये कहना तो किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन सरकारी कामकाज, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और आदिवासियों की अपनी जरूरतों के आधार पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस बार चुनाव में आदिवासियों का मूड। आदिवासियों का मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत पहुंचे छोटा उदयपुर के आदिवासी बहुल इलाके जनियारा गांव। हमारे ये थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, रास्ता है और हैंडपंप किधर बाकी है, मिनी टाकी का प्रश्न है, वो थोड़ा थोड़ा बहुत सुधारने की जरूरत है और रास्ता आरसीसी वो सब करने का बाकी। गांव के पास ही ये है उदयपुर का आदिवासी म्यूजियम, जहां आदिवासी समाज के गार्ड ने हमको आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या बताई। आदिवासी में कोई मतलब बेरोजगारी माटे कोई मतलब मोदी साहब कुछ करता नहीं है। जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी पिछले साल कर दिया सर। कोई मतलब बेरोजगार जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट वगैरह है, वो मतलब उसको नौकरी नहीं मिलती सर। आमतौर पर आदिवासी सीटों पर गुजरात में कांग्रेस हावी रहती है। छोटा उदयपुर जिले में 3 विधानसभा सीट आती है, जिनमें से 2 में कांग्रेस और 1 में बीजेपी पिछली बार जीती थी। जानकारों का मानना है कि जुलाई 2015 में पाटीदार आंदोलन भड़कने के बाद से ही बीजेपी ने आदिवासी इलाकों पर ध्यान बढ़ा दिया था। इस पर काम किया आरएसएस और इसके सहयोगी संगठनों ने। इन संगठनों ने आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार के काम को पहुंचाया और हर गांव में बीजेपी समर्थक पैदा किए। आरएसएस ने काम किया है वहाँ पर। वो लोग कई बार वहाँ पर काम करने आते हैं, मना नहीं है, मेहनत सब कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 95 से गवर्नमेंट सरकार गुजरात में बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार ने हाँ काम हेल्थ के किया, मगर जो उनको प्रॉपर रोजगार ही मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी पहुंचे अरवली जिले की भिलोड़ा सीट पर, जो एसटी सुरक्षित है। यहाँ से 4 बार के विधायक हैं डॉक्टर अनिल जोशियारा। आदिवासियों के लिए सुरक्षित इस सीट के सोटपुर गांव पर आदिवासी मतदाता करीब 50% हैं। इस गांव में पानी की समस्या 2 दशकों से है। पानी की टंकी है लेकिन खाली ही रहती है। सहारा है तो सिर्फ हैंडपंप का। जैसे ही हम गांव में घुसे हैं तो ये टंकी हमको नजर आई है, जहां जिसके ऊपर हम बैठे हैं, इस टंकी में पानी नहीं है। हमारे साथ चुनीलाल जी हैं, वो हमें बताएंगे। इधर आ जाइए सर, कि यहाँ कितने दिन से इस टंकी में पानी नहीं है, कब ये बनी थी और क्या समस्याएं हैं पानी की इस गांव में, क्योंकि आदिवासी गांव में पानी की एक बड़ी समस्या बताई जाती है। ये बताइए चुनीलाल जी, जो टंकी है कब बनी थी? ये 1.5 साल से बनी है। 1.5 साल से बनी है, तब से ये टंकी खाली है। करीब 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव के लोग परंपरागत तौर पर कांग्रेस के वोटर हैं, लेकिन इस बार यहां के लोग स्थानीय कांग्रेस विधायक से नाराज नजर आए। हमारे यहां के जो खेती बाड़ी है, जो किसान लोग हैं, ज्यादातर किसान हैं उधर ये गांव में, सोड़पुर गांव में, तो ये बोर बनाते हैं, बोर में से पानी कम होता है। लेकिन कितना खेती होता है कि 20 किलो गेहूं जितनी कितनी फसल होती है मेरी। अच्छा। ज़्यादा कोई फसल होती नहीं है। अभी तो हम यहाँ के भिलोड़ा में तो हमारा कुछ बदलना चाहते हैं। हम यहाँ परंपरा कांग्रेस रही है, लेकिन हम बदलना चाहते हैं यहाँ भिलोड़ा में। 4 बार से विधायक डॉक्टर अनिल पिछली बार 32,000 वोटों से जीते थे और इस बार पहले से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल के सामने बीजेपी ने इस बार यहाँ से पूर्व YPS PC बरांडा को मैदान में उतारा है। आदिवासी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। गुजरात में आदिवासी आबादी करीब 90 लाख है, जो कुल आबादी का 14.75% है। राज्य में कुल 27 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। दूसरे चरण में इनमें से 13 सीटों पर वोटिंग होनी है।
2012 में इन 13 में से 10 पर कांग्रेस ने तो 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आमतौर पर आदिवासी समाज का वोट कांग्रेस के साथ जाता है, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस बार आदिवासियों के मन में क्या है। गुजरात से जावेद मंसूरी के साथ रविकांत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।